हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में। आज देखिए इस टॉपिक से पढ़ाने वाले भिन्नों के जोड़, भिन्नों घटाना, भिन्नों गुणा और भिन्नों के भाग कैसे करेंगे। पूरे कंप्लीट वीडियो देखिए, सभी वीडियोस आपको एक एक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इन सभी वीडियोस को आप पढ़ते चलिए। कैसे करना है, मिक्स फ्रैक्शंस में कैसे होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे दिए जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस के कैसे हम सोल्यूशन करेंगे, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, उन सभी वीडियोस को हम एक एक वीडियोस पे कवर करने वाले। चलिए स्क्रीन में आपको पढ़ाते हैं कि भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे करेंगे। एक एक वीडियो के माध्यम से आप पढ़ते चलिए। देखिए यहाँ पर फिर आपको भिन्न के जोड़ पढ़ाएंगे कैसे। यहाँ पर देखिए रिलेशंस जो फ्रैक्शन नंबर दिए जाते हैं, इसको हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो 7/5 प्लस 2/4 दिया गया है। एक क्वेश्चन हम ये लेकर पढ़ा रहे हैं और एक मिश्रित भिन्न पूछा जाता है, इसको इंग्लिश में मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। 1/5/2 प्लस 4/6। तो दोनों क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए जिसमें से ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और किस टाइप से क्या रूल है, बिल्कुल इजी तरीके से ये क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 7/5 प्लस 2/4 दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये नीचे नंबर दिए गए, जिसे ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 5 और 4 का एलसीएम ले लेना होगा। ये आपका रफली वर्क है, तो आप 5 और 4 का एलसीएम ले लो। ठीक है, और एलसीएम लेना आपने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े हुए, प्रीवियस वीडियोस में भी। यहाँ पर देखिए 4 का एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पर नंबर देखिए इवन नंबर दिए गए, तो सबसे पहले किससे डिवाइडेशन हो सकता है, 2 से। तो 2 5 तो कटेगा नहीं, मत कट करिए, 2 2 4 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए फिर 2 है, तो 2 से फिर डिवाइडेशन हो जाएगा, 5 को लिखा रहने दीजिए, 2 1 2 लिख लीजिए और 5 1 5। ठीक है, और जब तक डिवाइडेशन करते कब तक क्या 1 1 हमारे यहाँ पर ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिख लो, ये जितने भी फैक्टरेशन नंबर दिए गए आप इनको फैक्टर करके नोट कर लीजिए, 2 2 4 4 5 20। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या मिला हमें, 20। इतना आपको हर क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चंस में करने होंगे। जब भी आपको भिन्न के जोड़ दिए जाएं तो आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो। तो 5 और 4 जो भी नंबर हो, यानी नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं, तो सबसे पहले आप एलसीएम इस टाइप ले सकते हो। ठीक है, तो 2 से डिवाइडेशन करो, फिर इसके बाद 2 से डिवाइडेशन होगा, इसके बाद जो भी नंबर ना कटो 5 से कट लो, इसके बाद यहाँ पर आप फैक्टरेशन का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 2 2 4 4 5 20। ठीक है, जो ये नंबर आएगा उसको आप यहाँ पर डिनोमिनेटर पे नीचे लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, 20, यानी जैसे एलसीएम 20 आया तो आप उसे नीचे लिख दो। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो फ्रैक्शन दिया गया है, 5 से आपको 20 में डिवाइड करना है, तो 5 का डिवाइडेशन 20 में करो, 5 4 20, यानी 4 आंसर आएगा, और 4 का फिर मल्टीप्लीकेशन कर दोगे 7 में, 4 7 28। आई होप हमारी ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत बच्चों को गलतियां होती हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। सबसे पहले डिवाइडेशन करते हैं, 5 का डिवाइडेशन 20 में करो, ये रफली माइंड भी सेट कर लीजिए, थिंकिंग सोचते हुए 5 का डिवाइडेशन 20 में करिए, 5 4 20 4 टाइम्स होगा, और 4 का फिर मल्टीप्लीकेशन करोगे 4 7 28। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इसी तरह बिल्कुल सेम सेकंड फ्रैक्शन से 4 का डिवाइडेशन 20 में करिए, 4 5 20 5 आंसर आया, और 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दो 2 में, 5 2 10, यानी पहले डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 28 और 8 को प्लस कर लो तो आंसर क्या मिल जाएगा, 38/20, इट इज अ राइट आंसर। ठीक है, और अगर ये नंबर कट भी हो रहा हो तो उनको कट भी कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आंसर शीट में कट करके भी आंसर हमको देते हैं। तो यहाँ पर क्या कट करोगे, जैसे यहाँ पर 28 यानी लास्ट में 8 और 0 मिल रहा है, तो 2 से कट हो जाएगा, 2 1 2 कैरी 1 हो जाएगा 18, 2 9 18 और 2 10 20। ठीक है, लास्ट में देखिए यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 है, यानी एक ऑड डिजिट दी गई है और एक इवन डिजिट दी गई है। इवन डिजिट जानते हो 0 2 4 6 8 होती है, वो इवन डिजिट होती है, और ऑड डिजिट में 1 3 5 7 9 होता है। तो यहाँ पर देखिए अब नंबर कोई नहीं कटेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऊपर बच गया 19 और नीचे क्या है 10, यानी न्यूमरेटर में 19 और डिनोमिनेटर में 10, तो 19/10 राइट आंसर, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह के भिन्न के जोड़ को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेने पे जो भी आंसर आएगा उसे लिख लीजिएगा, डिवाइड करिए, फिर उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखिए, फिर सेकंड फ्रैक्शन से इसी तरह डिनोमिनेटर में डिवाइड करिए और फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखिए, प्लस कर दीजिए, आंसर हो गए। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और बिल्कुल सेम इसी तरह ये जो मिश्रित भिन्न कभी कभी आपको दे दी जाए, ये जिसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, तो सेम ऐसे आपको करने होंगे। ठीक है, अब इसे सीख लीजिए कैसे करेंगे। 2 का डिवाइडेशन यहाँ पर करो, सॉरी 2 का पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको पहले भिन्न बना लो ठीक से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की।
टू वन जा टू और फिर फाइव को प्लस करना है, यानी पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऊपर वाले को प्लस कर दो, तो टू वन जा टू और फाइव सेवन, तो सेवन अपॉन क्या हो जाएगा टू और प्लस फोर अपॉन सिक्स। ठीक, आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो टू वन जा टू और फिर टू जो भी मल्टीप्लीकेशन में आंसर आए उसके न्यूमरेटर को प्लस कर दो, तो टू फाइव सेवन अपॉन टू प्लस फोर अपॉन सिक्स। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टू और सिक्स का एलसीएम लेंगे, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह तो रफली वर्क है, इसको आप टू और सिक्स क्या करो इसका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, अब देखिए टू और सिक्स है तो टू के टेबल में आते भी है, टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स, वन तो यहां आ ही चुका है, इसके बाद थ्री से कर लो तो थ्री वन जा थ्री। ठीक है, और इसके फैक्टरेशन क्या मिल गया, टू मल्टीप्लाई थ्री तो टू थ्री जा सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स एलसीएम हमें मिला हुआ है, तो यहाँ पे सिक्स लिख लीजिए। बस फिर सेम ऐसे ही है, जैसे सेम आरटीज वैसा था वैसे इस पे आप करना है, सिर्फ इसको चेंजमेंट आपको करना है फ्रैक्शन में, इसके बाद फिर सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, अब टू का डिवाइडेशन सिक्स में करें, पहले डिवाइड करो टू थ्री जा सिक्स, तो थ्री टाइम आया और थ्री की फिर मल्टीप्लाई करो, थ्री से बन जा ट्वेंटी वन, प्लस फिर सिक्स का डिवाइडेशन करेंगे सिक्स में, सिक्स वन जा सिक्स वन टाइम हुआ और फिर वन का मल्टीप्लाई कर दो फोर में, वन फोर जा फोर, तो पहले डिवाइड करना है जो आंसर है मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर से यानी आंसर से, ट्वेंटी वन और प्लस फोर कर लो कितना हुआ ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स। ठीक है, यहां पर देखिए फाइव पर सिक्स नंबर है यानी एक और डिजिट है, इवन डिजिट है, कट नहीं होगा, दैट इज अ राइट आंसर। और कभी कभी इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिए जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में था यानी मिश्रित भिन्न में था, तो आंसर भी मिश्रित भिन्न में आ सकता है। तो सिक्स का डिवाइडेशन करो ट्वेंटी फोर में, तो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, तो जो डिवाइडेशन करोगे उसको साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, तो जो जितने टाइम डिवाइड करोगे वो साइड में लिखेंगे, तो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी फोर निकल गए, क्या बचा कैरी वन, तो वन आप यहाँ पे न्यूमरेटर पे लिख लो और अपॉन क्या है सिक्स, तो वो फोर और वन अपॉन सिक्स, इट इज अ राइट आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या करना होगा सिक्स का डिवाइडेशन ट्वेंटी फाइव में करेंगे, ना ये समझ में तो मैं आपको यहाँ पे साइड में पढ़ा रहा हूं, इस पर भी ध्यान दे दीजिए, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर यहाँ पे कट हो गया वन। ठीक है, अब देखिए समझ लीजिए, जो आप जिसे डिवाइड करोगे उसे आप नीचे लिखेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसे बगल में लिखेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसे ऊपर यानी न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी, रिमाइंडर को ऊपर लिखना है, जिसे डिवाइड करो उसे नीचे लिखना है, जो क्वेश्चन आ जाएगा भागफल जिसे हम लोग कहते हैं उसे आप साइड पे लिखेंगे, फोर होल वन अपॉन सिक्स, इट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं, इस तरह के आप भिन्न क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल इजली है, सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, और भी एक्सरसाइज रिलेटेड जो आपके कंफ्यूजन डाउट्स हैं मेरे स्किल क्लासेस पे, सब प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ यानी क्लास फिफ्थ से लेकर नाइन्थ तक के सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, सभी वीडियोस बड़े आराम से सब पढ़ सकते हो, सभी एक एक क्वेश्चन रिलेटेड है, आप उन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर जो भी बच्चे ना हो सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन वाले प्रेस कर लो जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि भिन्नों के जोड़ घटाना गुणा भाग के वीडियोस हम लाने वाले हैं, सभी वीडियोस आपको एक एक मिल जाएंगे और सभी वीडियोस को आप इसी तरह पढ़ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।